अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्रिस्पी मूंग दाल की रेसिपी। तो सबसे पहले आपने 2 कप दाल को तकरीबन 4 घंटे या ओवरनाइट भिगो कर रख देना है। उसके बाद आपने दाल को बहुत अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है, बिल्कुल भी उसमें पानी नहीं होना चाहिए। और ऑयल हमने बिल्कुल बहुत ज़्यादा हॉट गर्म करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म करना है ऑयल। ना आपने ऑयल का टेम्परेचर डाउन करना है और ना ही आपने फ्लेम को लो करना है, हमने इसे हाई फ्लेम पे ही कुक करना है। अब आपको इस तरह का स्ट्रेनर रख लें और जो दाल है उसका आधा पार्ट आप इसमें डाल दीजिए। ऑयल को आपने इतना ही लेना है, ज़्यादा भर के ऑयल नहीं लीजिएगा। उससे क्या होगा कि जब ये इस तरह से जो झाग आना शुरू होंगे ऑयल में, तो उससे सारा ऑयल हमारा बाहर आ जाएगा। तो ऑयल को आपने पतीली में आधे से कम ही लेना है। अब आपने कोई चमचा चलाते हुए इसे फ्राई कर लेना है तकरीबन 5 मिनट। और ये सारा काम हमने हाई फ्लेम पे ही करना है, फ्लेम को डाउन नहीं करना है। 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि दाल थोड़ी सी क्रिस्पी भी हो जाएगी और झाग बैठ जाएंगे। जब झाग बैठ जाए तो इट मीन्स कि हमारी दाल अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब आप इसे अच्छी तरीके से छान लें और टिश्यू पेपर पर निकाल लें। इसी तरह आप सारी दाल को फ्राई कर लें। ये तैयार है मज़ेदार क्रिस्पी दाल, बहुत ही टेस्टी बनती है। हर चीज़ वैसे बाज़ार में मिल जाती है, मगर हर चीज़ हम घर में भी आसानी से बना सकते हैं। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को रेसिपी किसी भी वजह से पसंद नहीं आई तो आप डिसलाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली हर अपडेट आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आई एम यू होस्ट अभिषेक, इंशाल्लाह हाजिर होंगी बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।